आज भारत गुरु पूर्णिमा का पवित्र पर्व मना रहा है। सबसे पहले मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को ज्ञान और अध्यात्म के इस पर्व की बधाई देता हूं। ऐसे अहम दिन आज 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी की इस मीटिंग की शुरुआत हो रही है और भारत में ये आयोजन पहली बार हो रहा है और स्वाभाविक है कि मेरे सहित सभी देशवासियों को इसकी विशेष खुशी है। मैं इस अवसर पर पूरी दुनिया से आए सभी डिग्निटरीज और अतिथियों का स्वागत करता हूं। खास तौर पर मैं यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल ऑड्रे अजुले का भी अभिनंदन करता हूं। मुझे विश्वास है हर ग्लोबल आयोजन की तरह ये इवेंट भी भारत में सफलता के नए कीर्तिमान घड़ेगा। साथियों, अभी मैं विदेशों से वापस लाई गई प्राचीन धरोहरों की प्रदर्शनी भी देख रहा था। बीते वर्षों में हम भारत की 350 से ज्यादा प्राचीन धरोहरों को वापस लाए हैं। प्राचीन धरोहरों का वापस आना ये वैश्विक उदारता और इतिहास के प्रति सम्मान के भाव को दिखाता है। यहां इमर्सिव एग्जीबिशन भी अपने आप में एक शानदार अनुभव है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी, इस क्षेत्र में रिसर्च और टूरिज्म की अपार संभावनाएं भी बनती जा रही है।